नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर मुकेश गैर, डायरेक्टर एंड फाउंडर फोटोकार्ड डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिशियन। दोस्तों, मैं ये चैनल इसके माध्यम से आपसे लाइव जुड़ता हूँ। मैं बातें करता हूँ कुछ पर्सनल लाइफ की, कुछ बिजनेस लाइफ की, कुछ करियर लाइफ की। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ कैसे आप अपनी लाइफ में पर्सनली, आप स्पिरिचुअली, इमोशनली, आप फाइनेंशियली अपने आप को ग्रो कर सके। मैं वो जो सीख सारी जो मैं अपने मेंटर, अपने गुरु, अपने जो लर्निंग है उससे मैं लेता हूँ, वो सारी सीख मैं शेयर करता हूँ आप सबके साथ में। दोस्तों, लाइफ जो है वो फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। लाइफ में अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम एक्चुअली क्या है, कुछ शॉर्टकट्स अपनाने के चक्कर में और जो स्ट्रेटजिक, जो रणनीति होनी चाहिए, जो हमें डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, वो हमें क्लियर एक पर्पज होना चाहिए, वो सारी चीजें हम भूल जाते हैं और हम जो है अपनी लाइफ में एक अस्त व्यस्तता वाली जिंदगी जो है वो जीने लग जाते हैं। दोस्तों, कुछ एक हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, हर कोई बिजी है अपनी लाइफ में, लेकिन आप बिजी किस चीज में है, आप अपना पर्पज, अपना जो गोल, अपना जो ड्रीम आपको जो फुलफिल करना है उसके लिए आप बिजी है या किसी और चीज के लिए, तो आप बिजी नहीं हो रहे हैं। आपको यह देखना होगा, उस गोल को पूरा करने के लिए आपने कुछ रणनीति बनाई है, आपने कुछ बदलाव लाने की कोशिश की है अपनी जिंदगी में, कुछ हैबिट्स में आपने चेंज किया है, ये बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा वो 10 जो है वो ऐसे सिंपल वे जिनको अगर हम अडॉप्ट करें अपनी लाइफ में तो हम अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। जब दोस्तों आपकी खुद की लाइफ बेटर होगी ना, तो आपकी करियर लाइफ भी बेटर होगी, आपकी फैमिली लाइफ भी बेटर होगी, आपका सराउंडिंग भी बेटर होगा, आपके एनवायरमेंट भी बेटर होगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो सबसे पहले अपने आप पर वर्क करना बहुत जरूरी होता है, खुद सेल्फ डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी होता है। मैं सेल्फ डेवलपमेंट पर विशेष फोकस करता हूँ और डेफिनेटली उसका मुझे रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लेते हुए मैं चलता हूँ प्रेजेंटेशन पर और बातें करते हैं वो 10 जो बेटर वे है हो सकते हैं अपनी लाइफ में, जो अपनी लाइफ को बदलाव दे सकते हैं। तो चलते हैं। दोस्तों, जो मैं बात कर रहा हूं उसमें ये सबसे पहला जो जरूरी है वो है कि आपको अपना पर्पज ऑफ द फ्यूचर वो आपको डिसाइड करना बहुत जरूरी है। तो आप सबसे पहले आप जानिए कि आपका पर्पज क्या है आपकी लाइफ का, आपका पर्पज क्या है, आप किस लिए जी रहे हैं। दोस्तों, मैं कई वीडियो बनाए हुए पहले, एक अर्ल नाइटिंगल जो है उनका एक सीक्रेट ऑफ द लाइफ, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है कि कई 95% जो लोग हैं ना, उनसे अगर आप पूछें कि भाई आप जी किस लिए रहे हैं, आप सुबह उठते क्यों हैं, है ना, आप स्कूल क्यों जाते हैं, बच्चों से पूछे, आप जो एम्प्लॉय है उनसे आप पूछे कि भाई आप ऑफिस में क्यों जाते हैं, कोई उनके पास में आंसर नहीं होता, ठीक है ना, आप जी क्यों रहे। तो कहने का मतलब है एक पर्पज आपका होना चाहिए लाइफ का, कि आप ये लाइफ जो है एक पर्पजफुल लाइफ आप जिएंगे तो ही जो है इस लाइफ में आप एंजॉय कर पाएंगे, है ना। तो आपको अपना पर्पज जो है वो ढूंढना है, पर्पज ढूंढना, उसके लिए भी मैंने इकिगाई प्रिंसिपल्स पर वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जरूर जाके आप देखना। वो मेरा जो चैनल है फोटोकार्ड बिजनेस सिंप्लीफाइड, उस चैनल के माध्यम से आप मेरे से जुड़े हैं और वहां पर सारे वीडियो जो है वो आप वहां पर देख सकते हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उस इकिगाई प्रिंसिपल की, उस प्रिंसिपल के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपका पर्पज ऑफ लाइफ क्या है। दोस्तों, पर्पज ऑफ लाइफ वो होना चाहिए जो आपको सिर्फ और सिर्फ आपका पैशन ही आपको फुलफिल नहीं करे, वो आपका आपका लाइफ पर्पज ऐसा होना चाहिए कि वो आपका उद्देश्य बन जाए, उससे आपके घर में पैसा भी आए, है ना, उससे आपके घर में पैसा भी आए, उससे वो आपका प्रोफेशन भी बन जाए। जब पैशन आपका प्रोफेशन बन जाएगा ना, तो आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी, यह मैं कहना चाहूंगा। तो कहने का मतलब है आप इस तरह का इकिगाई प्रिंसिपल बनाइए। दोस्तों, दूसरी जो बात मैं करूंगा वो करूंगा सेल्फ कॉन्फिडेंस की। देखिए, एटीट्यूड ईगो अलग चीज होती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग चीज होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमको इंडिपेंडेंट बनाता है, हमारी एक इंडिविजुअलिटी बनाता है, एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है। जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे तो डेफिनेटली आप प्रोएक्टिव होंगे, आप रिएक्टिव नहीं होंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस वो होता है जिसे अपनी लर्निंग पर, अपनी स्किल पर उसको भरोसा होता है और अपने मेंटल एटीट्यूड पर उसको भरोसा होता है कि वो कितनी भी प्रकार की परिस्थितियां लाइफ में आए, उन परिस्थितियों में वो अपने आप को और फेस कर सकता है और उनको उनको ऑब्स्टेकल्स को वो दूर कर सकता है, ये जरूरी होता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी पहले वीडियो बनाया हुआ है और भी वीडियो बनाऊंगा कैसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात आती है अपने एटीट्यूड को ड्रॉप करने की। देखो, एटीट्यूड यहाँ मैं बात कर रहा हूँ नेगेटिव एटीट्यूड, वो एटीट्यूड जो आपको अपने सेल्फ डेवलपमेंट में एक कदम पीछे ले जाता है। तो हमें वो एटीट्यूड ड्रॉप करके और सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो
फीलिंग है, जो एक्चुअल पॉजिटिव एटीट्यूड है, उसको हमें और डेवलप करना जरूरी है। नेक्स्ट आता है एंथुसियाज्म एंड पैशन। दोस्तों पर्पस ऑफ लाइफ आपका है तो डेफिनेटली वो पर्पसफुल जो मिशन है आपका, जो आपका पैशन है, वो आपका पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए। यानी कि वो जो पर्पस ऑफ लाइफ है उसमें आपका पैशन होना चाहिए, आपका एंथुसियाज्म होना चाहिए, देन ओनली आपको जो जॉब है आपका वो आपको कैसे लगेगा, जैसे कि आप जस्ट लाइक ए गेम, जैसे कि आपको गेम खेल रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है एंथुसियाज्म होगा तो आप अपनी लाइफ को बहुत बेटर तरीके से जी पाएंगे। जब आपका एंथुसियाज्म होता है वो आपके दोस्तों में, आपकी फैमिली में, सबको जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, सब आपसे कनेक्ट रहेंगे, सब आपसे जुड़ना चाहेंगे। तो एक पॉजिटिव एनर्जी वाला आदमी उसको हर कोई लाइक करता है, हर कोई उससे कंपनी बनाना चाहता है, है? वही एक लीडर डेवलप हो सकता है, एक लीडरशिप उसमें डेवलप हो सकती है और वो दूसरों को भी लीडरशिप क्रिएट करा सकता है। तो एंथुसियाज्म होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो बात आती है दोस्तों वो आती है स्टार्ट योर डे द नाइट बिफोर। यानी कि आपको अपने डे की प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। लाइफ को ऐसे ही नहीं जाने दो, लाइफ को ऐसे ही नहीं कि जो हो रहा है बस इट जस्ट हैपनिंग ना, आपके डिसीजन के मुताबिक, आपके प्लान के मुताबिक लाइफ जो चलनी चाहिए। उसके लिए क्या जरूरी होगा, आपको स्ट्रेटजी बनाना बहुत जरूरी होगा। आपको स्ट्रेटजी बनानी है, रणनीति बनानी है, और रणनीति को आप एक दिन पहले बनाइए, शाम को ये काम आप शाम को सोने से पहले, रात को सोने से पहले आप ये काम करिए, तो आपका डे बड़ा स्मूथली चलेगा, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। आपको ये जो पहले भी मैंने एक फॉर्मूला है जिसमें हम ये देखते हैं कि कौन सा वर्क अर्जेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, उस आइजनवेयर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं, उस फॉर्मूले के तहत आपको डिसाइड करना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट वर्क है, कौन सा अर्जेंट वर्क है। उसके अकॉर्डिंग अपने डे को जो है आप प्लान करिए, उसका पूरा स्केड्यूल करिए, तो आपको देखना आपको प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप अगर जाएंगे यूट्यूब चैनल पर तो वहां देखेंगे इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है टास्क मैनेजमेंट पर, टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है आपका बी गुड गिवर। देखिए आपको प्रोड्यूसर बनना है, कंज्यूमर नहीं बनना। ये एक कंसेप्ट है जो हमें हर किसी को अडॉप्ट करना चाहिए। हर कोई कंज्यूमर है, कंज्यूमर सब कोई है, लेकिन आप प्रोड्यूसर बनेंगे, आप गिवर बनेंगे, आप दूसरों को कंट्रीब्यूट करेंगे, दूसरों को आप कुछ देंगे। जब आप अच्छे गिवर होते हैं, जब आप अच्छे कंट्रीब्यूटर होते हैं, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस जो है वो मिलनी ही है। जितने भी आप बड़े बिलियनेयर और जितने भी जो रिचेस्ट पर्सन है, वेल्दीएस्ट पर्सन है, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है, उनकी आप लाइफ को उठा के देख लीजिए। हर कोई गिवर है, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, उन्होंने समाज को दिया है, देश को दिया है, संसार को दिया है, उन्होंने कुछ दिया है और देने के बदले उनको डेफिनेटली फेम मिला है, रिकॉग्निशन मिला है, वेल्थ मिली है, सब कुछ जो उन्होंने चाहा जिंदगी में वो मिला है। तो हमको गिवर बनना पड़ेगा, ये रिसीवर से ज्यादा हमको गिवर बनना, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है सेल्फ रिलायंस का। आपको हमेशा अपने ऊपर निर्भर रहना है, आत्मनिर्भर रहना है। आपको कंप्लेन नहीं करनी है, आपको कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई कंप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सेल्फ रिलायंस होंगे। देखिए आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, जिसकी मैं बात हमेशा करता हूँ, अकाउंटेबिलिटी लेना बहुत जरूरी है। दूसरों पर ब्लेम गेम खेलना, दूसरों पर ब्लेम लगाना, ये तो बहुत ईजी है, हर कोई कर सकता है। आप प्रोएक्टिव, और आप लीडर कब बनेंगे, जब आप अकाउंटेबिलिटी लेंगे। देखिए जो गेम का कैप्टन होता है, नहीं होता है, जब अगर टीम गेम हार जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, कैप्टन लेता है। डेफिनेटली जब जीत जाती है तब कैप्टन क्या करता है, पूरी जिम्मेदारी, पूरा जो उसका वो किसको देता है, श्रेय अपनी टीम को देता है। लेकिन जब वो हार जाती है तो पूरा श्रेय वो अपने ऊपर लेता है, भाई इसके हारने का जिम्मेदारी वो मेरे ऊपर है ना। ये होती है एक अच्छी लीडरशिप की पहचान। दोस्तों आपको सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा, कंप्लेंट विनिंग करने के बजाय आपको और अकाउंटेबल बनना पड़ेगा। देन बी रेडी टू ग्रो अप। यहां पर मैं आपको बात करना चाहूंगा कि आपको यू विल हैव टू बी ए स्टूडेंट ऑल योर लाइफ। आपको लर्निंग जो है वो छोड़नी नहीं। जैसे मेरे को देखो आप, मैं जो है मुझे लगता नहीं कि मैं जिंदगी में कभी जो है लर्निंग वाला पार्ट है जो मेरी लाइफ से जो कभी हट जाए। मैं हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ, हमेशा, ये मेरा शुरू से ही रहा है। तो दोस्तों ये आपको ग्रो अप करने मदद करता है, आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको डेवलप होता है। डेफिनेटली फोटोकार्ड बिजनेस में मैं चीजें सीख रहा हूँ, हालांकि टीम है, वर्क कर रही है, सारा वर्क टीम कर रही है, लेकिन जो टीम वर्क कर रही है उसकी जानकारी मुझे भी है। ऐसा नहीं कि मैं चीजों को सीखता हूँ और मैं ही करता हूँ, नहीं, वर्क करती है, टीम करती है, लेकिन मुझे उसकी जानकारी है। इससे मुझे एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, मैं गाइड कर सकता हूँ, मेरी टीम को गाइड कर सकता हूँ, या मुझे एक तरह से कहा जाए तो
टीम जो है वो मुझे किसी प्रकार से और डेविएट नहीं कर सकती, मेरे उस पर मुझे किसी प्रकार से और मैनिपुलेट नहीं कर सकती। दोस्तों जो ये बहुत जरूरी है कि आपको खुद को जो है उसमें लर्न करना बहुत जरूरी है, आपको सीखना बहुत जरूरी है। दूसरा मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका कैरियर है, जॉब है, उसमें आपको अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी है। आपको देखिए हमारा डॉक्टर फील्ड, आप देखिए डॉक्टर फील्ड में कितना जो है साल दो साल में आपको देखा टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होती जा रही है, अलग अलग अपडेट होती जा रही है, ग्रो करती जा रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है। अगर आप उन टेक्नोलॉजी से अपने आप को अडॉप्ट नहीं करेंगे, उनको आप सीखेंगे नहीं, तो क्या होगा, आप पीछे रह जाएंगे, है ना। तो ये अपग्रेडेशन और अपडेशन बहुत जरूरी है, तो इसलिए हमेशा रेडी टू ग्रो अप। नेक्स्ट आता है करेक्टर का। देखिए आपको मैं आपको बता दूं, जितने भी फेल्ड पर्सन हुए हैं, स्कैम हुए हैं, जितने भी ऐसी ऐसी पोस्ट पर लोग पहुंच गए हैं जो वर्ल्ड को पूरा लीड कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका नाम सबसे बदनाम लोगों में आ रहा है और सब जगह जो है उनको जो है क्रिटिसाइज किया जाता है। क्यों किया जाता है? ओनली उनके करेक्टर के वजह से। आपका अगर करेक्टर सही नहीं होगा तो आपका कितना भी आपने नाम कमा लिया, कितना भी आपने वेल्थ कमा लिया, सब जो है बेकार हो जाता है। करेक्टर जो है आपका लूज अगर होगा, करेक्टर आपका एक प्रॉपर जो सोशल स्टैंडर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो आपको कितना भी आप नाम कमा लें, कितना भी आप पैसा कमा लें, सब एक दिन धूल में मिट जाए। तो इसलिए करेक्टर को अपने को कभी भी जो है नीचा नहीं होने दें, करेक्टर अपना जो है हमेशा आप ऊंचा रहेगा। ये एक पर्सनालिटी का सबसे इंपॉर्टेंट एक ट्रेट है जो हमें हमेशा एडॉप्ट करना चाहिए एक गुड करेक्टर के साथ। दोस्तों ये थी बात। नेक्स्ट थी सेल्फ डिसिप्लिन की बात। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने आप पर नियंत्रण, है ना। कोई भी आप गोल आपने डिसाइड किया है, कोई भी आपका डेस्टिनेशन जो आपने डिसाइड किया हुआ है, वहां पर आपको पहुंचना है, अगर आपने अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन नहीं किया, आपने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग जो है वो हैबिट्स आपने इंस्टॉल नहीं की, आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं किया, तो आपको बिल्कुल ही कम चांसेस है कि आप अपने गोल तक आप अचीव करें। तो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आती है बात दोस्तों, डिमांड एक्सीलेंस फ्रॉम योर सेल्फ। आप दूसरों से एक्सीलेंस की आशा जब करो, जब पहले खुद अपने आप को एक्सीलेंट बनाओ, अपने आप को मास्टर बनाओ, यह बहुत जरूरी है। अपने आप को आप मास्टर ही हासिल करें, देन यू डिमांड फ्रॉम अदर्स एक्सीलेंस। तो आप अपने आप को एक्सीलेंट करिए, अपना खुद का एक बेस्ट वर्जन आप बन के सामने निकलिए। देखिए हर कोई यूनिक होता है, एवरीवन इज यूनिक। दो लोग दो जुड़वा भी होते हैं ना, वो भी आपस में, और उनमें कुछ भी थोड़ा बहुत डिफरेंस उनमें भी आपको मिल जाएगा। लेकिन लेकिन आपको चाहे आपका पर्सनल लाइफ है, चाहे आपकी करियर लाइफ है, आपको उसमें अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाना है, अपना खुद का, किसी दूसरे का नहीं, दूसरे की कॉपी नहीं करनी, अपना खुद का बेस्ट वर्जन बनाना है। और जो अपना आपको बेस्ट वर्जन बनाता है वो ही स्टैंड आउट करता है भीड़ से, अदरवाइज आप भी वही भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे। तो आपको भीड़ के हिस्से से अलग होना है तो आपको अपने आप को एक्सीलेंट बनाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी बातें, 10 जो मैंने सिंपल वे बताए हैं जिनको आप अडॉप्ट करेंगे लाइफ में, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ जो है वो ग्रो करेगी, आपका करियर लाइफ भी ग्रो करेगी। और मैं ये सारे जो बताता हूँ आपको, वो सारे मैं अपनाता हूँ अपनी लाइफ में, अपनी बिजनेस लाइफ में अपनाता हूँ वो सारे, तब मैं आपको शेयर करता हूँ। आप इसे ये मत मानिए कि जस्ट एक लेक्चर में आपको दिया, ना, इट्स नॉट लाइक दिस। सो बाकी मैं बात करता हूँ फोटो कार्ड की, जो आप सभी से जुड़ रहे हैं, मैं सब आपका धन्यवाद देता हूँ। आप एज ए सेलर, एज ए बायर से जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा इसमें इंटरेस्ट जो है ऑल ओवर इंडिया से इसमें शो कर रहे हैं, और जयपुर में खासकर, क्योंकि जयपुर में हमने इसको पहले फोकस किया है पायलट प्रोजेक्ट के तहत, वहां पर जो है ऑलरेडी सारे जो है हम इसमें रेवेन्यू फीचर्स भी इसमें ला रहे हैं, वो फीचर्स जो आपके बिजनेस को और ज्यादा ग्रो करने में मदद करेंगे। अभी तो आपका बिजनेस ग्रो हो ही रहा है, क्योंकि जो ऑलरेडी किसी दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो बिजनेस कर रहे हैं और यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, उसमें फायदा यह है कि उनका जो मार्जिन, जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो उनका काफी कम हो जाता है दूसरी साइट पर, क्योंकि वहां पर वो कमीशन देना पड़ता है, यहाँ पर कोई कमीशन नहीं देना पड़ता, इसलिए उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो उनका बढ़ जाता है। कॉम्पिटिशन का मार्केट है, कॉम्पिटिशन मार्केट में आपको प्राइस आप जो है वो ज्यादा रख नहीं सकते, क्योंकि कंज्यूमर है, उसको ऑनलाइन पता है सारी प्राइस, उसको पता है, वो ऑनलाइन में जो है 10 स्टोर वो ढूंढता है, 10 साइट वो ढूंढता है, और तब जाके वो प्रोडक्ट परचेज करता है। ऐसे में आप अपनी प्राइस को कैसे कॉम्पिटिटिव रख पाएंगे, उसके लिए जरूरी है कि आप जो है, आपको ये लीवरेज मिले कि आपको जो है जिस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए हैं वहां पर आपको कोई एक्स्ट्रा कमीशन नहीं देना पड़े। तो बस वही बात ध्यान रखिए, और ये फोटो कार्ड को हमने इस कंसेप्ट को लॉन्च किया है, और बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, सेलर सारे जुड़ रहे हैं, अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं,
बायर्स जुड़ रहे हैं, बायर्स जो है प्रोडक्ट का ऑर्डर दे रहे हैं, अच्छा खासा जो है वो इंटरेस्ट इसमें आप शो कर रहे हैं। अगर आप अभी तक इससे नहीं जुड़े तो डेफिनेटली आप इससे जुड़िए एज ए सेलर, एज ए बायर। अगर आप बायर से बायर आप एज ए बायर जुड़ते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप अपने रिश्तेदार पड़ोस में आपकी फैमिली में कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस करता है आपके शहर में उसे आप इसे जरूर बताएं, क्योंकि ये मेन जो वर्क करता है वो लोकल डिमांड एंड सप्लाई वर्क करता है, तो इसलिए ये उनको डेफिनेटली एक फायदे का सौदा साबित होगा। और बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप इसी तरह मेरे से जुड़े रहे, मेरे वीडियोज को आपको पसंद आते हैं तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं द फोकस अनलिमिटेड, आप मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक्डइन के पेज से जुड़ सकते हैं, जहां भी आप जुड़ना चाहें। बाकी सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और इसी तरह आप मेरे से जुड़े रहें। थैंक यू, जय हिंद।